दोस्तों सत श्रीकाल आदाब के मुनाशिन, कैसे हैं आप लोग। तो यार मैं वैसे लुधियाने से बिलोंग करता हूँ, मैं जा रहा था सिरहंद वाली साइड पे, और यार सिरहंद का पुल उतरते ही लुधियाने से जो आता है मेरे को यहाँ पे दिखाई दिया पंजाबी रसोई PB23। और यार इनका जो खाना देख के मेरे को मन करा कि इसको खाते हैं, और जब यार अभी देखना मैं इसको खाऊंगा ना भाई, जो मजा आएगा। मतलब साग लवर्स को तो मैं रिकमेंड करता हूँ पक्का आगे खाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी साग है इनका, और भाई दिल खुश हो गया वो साग खा के। तो चलो आपको भी वो साग दिखाते हैं और मिलवाते हैं उनसे जो ये खाना बनाते हैं। जी सर जी, की हाल चाल है जी? बड़ा थैंक यू जी, तुसी अपना टाइम दिता सारू। कितना समय हो गया सर तानू? अच्छा जी, 7-8 साल तो इसी जगह पे लगा रहे हो। टाइमिंग्स की रहते हैं? अच्छा जी, अच्छा जी, और इतने टाइमिंग की रहता है जी? टाइमिंग सवेरे 9 बजे से लेकर 4:30-5 बजे तक जी। आलू शिमला मिर्चा जी, सरों का साग है जी, साग क्या जबरदस्त कलर है जी, कढ़ी पकौड़ा है जी, क्या बात है, महा दी दाल है जी, राजमा मिक्स, ये सारा कुछ आप खुद प्रिपेयर करते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। कढ़ी पकौड़ा एक बार और ला के दिखाइए। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्या जबरदस्त कलर आ रहा है जी, बहुत प्यारी लग रही है। अपनी मक्की की 80 रुपए की प्लेट है जी, जी कणक वाली 70 रुपए की प्लेट है जी। किनिया रोटियां होंगे? जी कणक की रोटियां होंगे 5 होनी है, मक्की 3 होनी है जी। मक्की 3 होनी है? हाँ जी हाँ जी। ते की थाली च की देंगे? थाली 2 सब्जियां होनी है, जी मर्जी ले सकते हो साग ना। प्लेट लगनी शुरू हो गई है तो सर बताते जाएंगे क्या क्या आ रहा है साथ साथ। जैसा मूली है जी, अच्छा जी, ये प्याज सलाद, अपना साग है जी, क्या बात है, ये आ गई यार, ये अपना कढ़ी पकौड़ा जी, ये पड़ा जी मक्खन। मगर सर खुद निकालते हैं आपकी डेयरी? हाँ जी हाँ जी, नहीं डेयरी का नहीं, अपना जी। अच्छा जी अपना। हाँ जी हाँ जी। और जो मक्की की रोटी जी, सर ये जो देसी की है ये भी खुद निकालते हैं? देखने में अच्छा लग रहा है। हाँ। रोटी यहाँ पे देख सकते हो पूरी करारी करके दी जाती है आपको। हेलो जी, ये थाली तैयार है जी, थाली हमारी तैयार हो चुकी है, और लस्सी का ग्लास भी होता है वो साथ ही में है इसके। अच्छा, इसके साथ में थाली में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और वैसे अगर बिना थाली के लेना हो लस्सी का ग्लास वो 10 रुपए ग्लास? सर सर सब्जी चेंज होती है? नहीं रोज चेंज होगी, रोज चेंज होती है, साग पक्का चलेगा, सब्जी रोज चेंज होती रहेगी। और कड़ी भी पक्की है? कड़ी भी पक्की चलेगी चावलों के साथ। यार आज ना हम सिरहंद की तरफ जा रहे थे, और जाते वक्त हमें लेफ्ट साइड में बहुत ही प्यारा सा ढाबा नजर आया, बोर्ड यहाँ पे आप देख सकते हो पंजाबी रसोई PB23 के नाम पे है ढाबा है, और भाई क्या सामान बेच रहे हैं आप ये चेक करो, मक्की की रोटियाँ साथ में कड़ी, और भाई सबसे मेन चीज साग चेक करो भाई, इसके ऊपर जो घी डाला हुआ है वो घी भाई देखो क्या बढ़िया इसके ऊपर तैर रहा है, साथ में देते हैं लस्सी, क्या बढ़िया लस्सी है यार। 80 रुपये में आपको यहाँ पे 3 रोटियाँ मिल जाती है, सैलड प्रॉपर मिलता है, सब्जियाँ 2 मिल जाती है आपको थाली में, और यार लस्सी साथ में मिल जाती है जो कि 10 रुपये का ग्लास वैसे अगर आप अलग से लेते हो, बट थाली के साथ आपको ये मिल जाता है। तो यार इसको खाना शुरू करते हैं, और रोटियाँ अगर आप चेक करोगे पूरा घी उन्होंने ऊपर लगा रखा, और बढ़िया करारा करते हैं इसको, बढ़िया देर तक पकाते हैं ताकि पूरी प्रॉपर पक जाए, प्रॉपर पकी हुई रोटी है भाई। और साग से तो यार देख के रुका नहीं जा रहा, तो साग भाई क्या लग रहा है यार, क्या लवली बाइट बनी है, तो ओ भाई बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा टेस्टी साग है इसमें भाई, देसी घी का जो साथ में फ्लेवर आ रहा है ना, ब्लास्ट कर रहा है माउथ में, वो बहुत तगड़ा फ्लेवर है, मतलब यार फ्लेवर इतना तगड़ा है कि ये साग तो पक्का मैं खाने वाला हूँ पूरा। ओ भाई साथ में आ चुकी कढ़ी पकौड़ा हमारा, इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। पकौड़े थोड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, दे देते हैं जितने भी आप मांगो। एक थोड़ा सा और टेस्ट करता कि प्रॉपर फ्लेवर का पता लग जाए, मसाले इनके खाने में यार मेरे को पता लग गया, थोड़े लाइट शेड पे रखते हैं ताकि जो भी यहाँ पे खाना खाने आ रहा है उसको बढ़िया टेस्ट मिले, और लाइट में भी ऐसे नहीं कि बिल्कुल लाइट है, फ्लेवर आपको प्रॉपर आएगा और मज़ेदार, मतलब तकलीफ नहीं होगी यार खाने के बाद, सिर्फ मज़ा ही आने वाला। और एक सब यहाँ पे सब्जियाँ रोज डेली चेंज होती हैं, तो अब जब भी आओगे तो यूजुअली आपको अलग अलग ही मिलेगी सब्जी। तो यहाँ पे एक आ चुकी है भाई अपनी आलू शिमला मिर्च, क्या बढ़िया लग रही देखने में। और हाँ रोटियाँ आपको गेहूं की भी मिल जाती हैं, आपके ऑप्शन है कि आपको मक्की की चाहिए कि गेहूं की चाहिए। तो यार अपने आलू शिमला मिर्च ट्राई करते हैं, सैलड इन्होंने दे रखा मसाला, अगर आपको थोड़ा बहुत अचार खाने का भी शौक है तो यहाँ पर वो भाई मिल जाएगा आपको, मिर्ची मिर्ची का जो भी आप खाना चाहते हो। पर यार हमको तो यही इतना टेस्टी लग रहा है कि अचार पर कौन ही जाए अभी, पहले यार लवली वाइट वो है, बड़ा ही प्यारा सा फ्लेवर है इसका, मतलब समझाया नहीं जा रहा, पहले थोड़ा लाइट सा लगता है लेकिन बाद में जो ब्लास्ट होता है ना इसमें, ये थोड़ा मसाले वाले शेड पे है भाई, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ।
और यार यहाँ पे खाने का थोड़ा बहुत सिटिंग अरेंजमेंट आपको मिल जाता है, लेकिन वाइब थोड़ी अच्छी मिल जाती है। एक साइड पे खेत है, एक साइड पे थोड़ा सा हाईवे है, तो यार थोड़ी वाइब आपको अच्छी मिल जाएगी। और हाँ, इसकी लोकेशन है, अगर आप लुधियाना से सरहिंद की तरफ जा रहे हैं तो पुल उतरने के साथ ही लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा आ गया आपको यार इनका प्यारा पंजाबी रसोई PB23 मिल जाएगा। खाना बढ़िया है, फुल ऑन आ सकते हो, ट्राई करो इसको यार, मैं तो इसको रिकमेंड करूँगा। और यार तो यार ये सारा खाना करता हूँ मैं ख़त्म, बहुत टेस्टी खाना है, साग तो मैं और लेने वाला हूँ। तो तब तक के लिए नशा ना पियो ना खाओ, रब रखा, चाओ।